दोस्तों, ये है मधुकामनी का पौधा। इसको हम लोग आम भाषा में मधुकामनी, मनोकामनी और लौंगश्री भी बोलते हैं। आज के वीडियो में इस पौधे की जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसकी देखभाल कैसे करते हैं, इसको कौन सी खाद पसंद होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप कैसे पा सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसको सबसे ज़्यादा मधुकामनी के नाम से ही जाना जाता है और ये एक परमानेंट पौधा होता है। पूरे साल फूल आते हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। सफ़ेद रंग का फूल होता है इसका। अगर आप कोई अपने गार्डन में खुशबूदार फूलों वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और 200 फीट तक इसकी खुशबू जाती रहती है। रात के समय इसकी फूलों की खुशबू बहुत महकती है और ये रात में जब हवा चलती है तो हवा के साथ ही ये पूरे वातावरण में इस तरह से घुल जाती है। बहुत ही महकता है ये फूलों वाला पौधा और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। अगर आपने नर्सरी से ये पौधा ख़रीदा है तो ये साल भर के अंदर ही ब्लूमिंग करना शुरू कर देता है। बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से सीड आते हैं लेमन के जैसे, उसको आप बहुत ही आसानी से रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसके लिए अगर आपको मिट्टी तैयार करनी है तो आप इसके लिए थोड़ी सी रेत वाली मिट्टी बनाएं। इसके लिए आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद ले लें और थोड़े से बड़े पॉट में 12 या 16 इंच के पॉट में ही इसको लगाएं, क्योंकि इसका पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट लेना ही सही रहेगा। इसको पॉट में शिफ्ट करने से पहले ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर इसमें पानी रुकता है तो ये पौधा ख़राब भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसी जगह पे रखना होता है। इसको हमेशा फुल सनलाइट में रखना होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसको धूप मिलेगी तो इसकी कलियाँ झड़ जाती हैं, क्योंकि इसके फूल बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं। तो आप इसको 3 या 4 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट ना दें, इससे इनकी जो कलियाँ होती हैं छोटी छोटी वो भी गिर जाती हैं और इनके फूल भी झड़ जाते हैं। तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट नहीं दी जाती है। गर्मियों में जब भी इसको पानी दें तो इसकी सॉइल हमेशा नम रखें। इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में जब इसकी ऊपरी सॉइल सूखी हुई हो तभी पानी दें, और बरसात में पानी अगर इसमें भर जाता है तो उसको निकाल दें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से इस पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और पौधा ख़राब होने लगता है। इसको अगर घना आप बनाना चाहते हैं तो आप जब नर्सरी से इसको लाएं तो इसका टॉप कट कर दें। इससे नीचे से भी ब्रांचेस निकलने लगती हैं और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो चारों तरफ से इसमें फूल आने लगते हैं और पौधा बहुत ही घना और बुशी लगने लगता है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ 2-3 ऐसे फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगी जो इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी और बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नेचुरल फर्टिलाइज़र की। बरसात में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। जो बरसात का पानी होता है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है इसके लिए। जैसे ही बारिश होती है इसमें चारों तरफ से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए किसी भी तरीके की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए ये पानी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन सर्दी और बरसात में इसको अच्छी सनलाइट देनी होती है, क्योंकि बरसात में कभी कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो धूप कम लगती है। तो इसको अच्छी सनलाइट दें, और सर्दियों में भी ऐसा ही करना होता है। बस गर्मियों में इसको थोड़ा ऐसी जगह पर रखें जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो, जिससे इनकी कलियाँ और फूल बचे रहें। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको घर में कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अगर बारिश ना हो। तो आप इसे प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप इसे गोबर की खाद दे सकते हैं, और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप इसको इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी, बहुत अच्छे फूल आएंगे और फूल ज़्यादा दिनों तक आपके पौधों पर टिके रहेंगे। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपका पौधा बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है और ये होता है दाल चावल का पानी, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसे कभी भी ना फेंकें और इनको आप अपने सभी तरीके के पौधों में दे सकते हैं। ये एक हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र होता है और हमारे सभी तरीके के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है।
मधुकामनी के पौधों को ये फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है। इसे देने से इसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आपके पौधे में ब्लूमिंग ना हो तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दीजिएगा और देने के बाद आपको हफ्ते भर में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुई मधुकामनी की पूरी जानकारी। अगर जानकारी बिल्कुल भी आपको यूजफुल लगी हो और वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से अगर आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फूल पा सकेंगे और आपका गार्डन महका महका सा रहेगा, बहुत खूबसूरत होते हैं इसके फूल। बाय फ्रेंड।